देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, देन द लोकस ऑफ जेड। चलिए देखते हैं इसको, दिया हुआ मोड में है जेड प्लस का टू आयोटा, और फिर यहाँ पे दिया है इक्वल टू जेड माइनस का टू आयोटा। तो अगर आप इसे ले लें जेड इक्वल टू में एक्स प्लस का आयोटा वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस का टू आयोटा, और इधर हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का टू आयोटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का टू। तो दोनों का हम लोग बोथ साइड मॉडुलस निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई प्लस टू का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का फोर वाई प्लस का फोर, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई प्लस का फोर। तो ये वाले टर्म आपके कट जाएंगे, या इधर आके एट वाई इक्वल टू में जीरो, यानी वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस ना हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन।